हेलो डियर वंस, कैसे हैं आप लोग। आज इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग एक लेसन है, वन ऑफ माय फेवरेट, द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य को हम पढ़ेंगे। बहुत ही प्यारा लेसन है। देखिए, वी आर ऑल फेमिलियर विद द नेम ऑफ विक्रमादित्य। क्लास टेंथ का सप्लीमेंट्री का बहुत ही प्यारा लेसन है, जिसमें पहली लाइन में बताया गया है, हम सब लोग विक्रमादित्य के नाम से बहुत ही परिचित हैं, भली भांति परिचित। कैसे परिचित हैं? जब हम छोटे थे हम कहानियाँ सुना करते थे, मैंने तो सुनी है दादा दादी नाना नानी की कहानियाँ, जिसमें हम दयालु विक्रम, विक्रमादित्य, विक्रमाजीत, वीर विक्रमाजीत के नाम से उनकी कहानियाँ सुना करते थे। आपने भी सुना होगा विक्रम बेताल की कहानियाँ, बेताल, पचीसी, सिंहासन, बतीसी, ऐसे बहुत से टीवी पर सीरियल्स थे, आपने भी देखे होंगे। इससे पता चलता है कि विक्रमादित्य का नाम कितना मशहूर था, मारूफ है और मकबूल है। His reign has been a landmark in the history of our country. उनका जो राज्य था, शासन काल था, वो हमारे देश का एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। जैसे कि और बड़े बड़े काम होते हैं, तो मील का पत्थर मतलब एक ऐसा काम जो जिसकी हम सैकड़ों सालों बाद भी याद करें, जिनको तुलना करें। The Vikram Samvat owes its origin to him. विक्रम संवत के बारे में हमने पढ़ा होगा, जैसे हम 2020 सन मना रहे हैं, तो ये एक साइन है, इस बात का इंडिकेशन है कि 2020 साल पहले ईसा मसीह का जन्म हुआ, तो ईसवी हो गई। इसमें 57 जोड़ते हैं तो 2077 विक्रम संवत चल रहा है। इसका मतलब विक्रमादित्य को उज्जैन के राज्य पर बैठते हुए, राजगद्दी पर बैठे हुए आज 2077 सालें हो गई हैं। तो ये विक्रम संवत की जो का जो नाम है, जो हमारा कैलेंडर है विक्रम संवत, भारतीय कैलेंडर, ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से मशहूर है। इससे पता चलता है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का शासनकाल कितना महान था, जिसके समय से ही हमारा एक कैलेंडर चल रहा है। ठीक है, तो ये विक्रम संवत के बारे में हमने जान लिया। ऑल्दो हिज नेम इज सो फेमस, इट इज स्ट्रेंज दैट वी हार्डली नो एनीथिंग डेफिनेटली अबाउट हिज लाइफ। हालांकि उनका नाम इतना प्रचलित है, इतना फेमस है, इतना यू नो पॉपुलर है, फिर भी हम ज़्यादातर उनके बारे में नहीं जानते डेफिनेटली। ऐसा इसलिए है, मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है, कि जब कोई व्यक्ति बहुत महान हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है, तो उसके बारे में कहानियाँ होने लगती हैं। ज़्यादातर कहानियाँ उसमें फिर झूठी होने लगती हैं, समय के साथ झूठी कहानियाँ बढ़ने लगती हैं, या झूठी से ज़्यादा कह सकते हैं अतिशयोक्ति, बड़ा चढ़ाकर कहानियाँ। जैसे हमने अकबर और बीरबल के किस्से सुने होंगे, हजारों चुटकुले बन गए इसके बारे में, क्या सब सच्चे हैं? नहीं, कुछ सच्चे हैं, गिने चुने सच्चे होंगे, लेकिन वो इतने पसंद किए गए कि लोगों ने उन पर फिर जोक्स तैयार कर लिए, और एक ऐसा एक यू नो कहानी सी दिखाई देती है कि अकबर और बीरबल दो बहुत बड़े किरदार हो गए एक कॉमिक स्टोरीज के, जैसे कि चाचा चौधरी और साबू की कहानियां। जी नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन चूंकि वो बातें इतनी मशहूर हुई तो उसमें कहानियां बनती चली गई। ऐसे विक्रमादित्य के बारे में कहानियां बनती चली गई, और जो असली कहानियां थी, जो रियल स्टोरीज थी, वो कम होती चली गई, जो फेक स्टोरीज या मेड स्टोरीज जिन्हें कह सकते हैं, वो ज्यादा हो गई। देयर इज वन थिंग सर्टेन अबाउट हिम, लेकिन उनके बारे में एक बात तो सच्ची है, हाउ एवर ही लव्ड जस्टिस एंड लर्निंग, कि उनका जो ज्ञान था, उनकी जो शिक्षा थी, उनकी जो समझ थी, वो महान थी। जैसे अकबर बीरबल की कहानियों में देखेंगे, एक चीज सच्ची दिखाई पड़ती है कि बीरबल बहुत होशियार था, और दूसरी ये भी दिखाई पड़ती कि अकबर के बहुत प्रिय थे वो, और दोनों के बीच राजा और मंत्री से ज़्यादा कहीं ना कहीं मित्रता का एक एक, एक संबंध था। तो ये कहानियों से ये पता चलता। देर इज वन थिंग सर्टेन, ही गेव परफेक्ट जस्टिस टू हिज पीपल एंड गैदर लर्न मैन अबाउट हिम इन हिज कोर्ट। एक बात और पता चलती है कि वो जस्टिस के बड़े मुरीद थे। विक्रमादित्य की कहानियों में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज दिखाई देती है वो है उनका इंसाफ, और इंसाफ के पीछे क्या था, उनकी लर्निंग, उनका ज्ञान, उनकी शिक्षा। ऐसा तभी हो सकता है जब कोई राजा अपने दरबार में विद्वान लोगों को रखे। जब विद्वान लोग हमारे इर्द गिर्द होते हैं, हमारे सलाहकार होते हैं, तो हमारे निर्णय ज्यादातर सही होते हैं, मैं तो कहता हूं हमेशा सही होते हैं। इसलिए वी शुड ऑल हैव गुड सोसाइटी ऑफ इंटेलिजेंट पीपुल, लर्न्ड पीपुल, यू नो एक्सपीरियंस पीपुल, हमारे चारों ओर भी बुद्धिमान, समझदार और अनुभवी लोग भी होने चाहिए। ठीक है, इट इज सेड दैट ही वॉज द ग्रेटेस्ट जज इन हिस्ट्री। ऐसा भी कहा जाता है कि विक्रमादित्य
इतिहास के सबसे महान न्यायाधीश थे, क्योंकि हमने उनकी कहानियों में ऐसा सुना है कि उन्होंने कभी भी अन्याय नहीं किया। विक्रमादित्य वाज नेवर डिसीव्ड, उन्हें कभी धोखा नहीं दिया जा सका। नॉर डिड ही एवर पनिश द रॉन्ग मैन, और ना ही उन्होंने कभी किसी के साथ अन्याय किया कि सही आदमी को सजा दे दी हो और गलत को ना दी गई। नहीं, उन्होंने हमेशा जो गलत था, जो गिल्टी था, उसे पनिश किया। द गिल्टी ट्रेम्बल्ड वेन दे केम बिफोर हिम फॉर दे न्यू दैट हिज आइज वुड लुक स्ट्रेट इन टू देयर गिल्ट। जो दोषी थे, जब उनके सामने आते थे गिल्टी, वो ट्रेम्बल कांपने लगते थे। इसलिए कांपने लगते थे कि विक्रमादित्य की आंखों में सीसीटीवी कैमरे की तरह ताकत थी। उससे भी बड़ी एक्सरे वाली जो मशीन होती है ना, वो अंदर तक झांक लेते थे कि दोषी के अंदर अपराध कहाँ है और कितना है। तो उनका गिल्ट वो अपनी आंखों से, जब आंखों में आंखें मिलाते थे तो दोषी कांपने लगता था। वो जानता था कि राजा इतना महान है, उसकी बुद्धि इतनी तेज है, उनकी आंखें इतनी तीक्ष्ण हैं कि वो उनके अंदर का अपराध और या उनके अंदर का अपराधी को पकड़ लेगा। ओके, एंड दोज हु केम टू हिम विद डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स, और वो लोग जो उनके पास मुश्किल मुश्किल समस्याएं लेकर आते थे, वेयर ऑलवेज सेटिस्फाइड बाई द वे ही सॉल्व देम, जिस तरीके से वो उनकी समस्याओं को सॉल्व करते थे, जिस तरह के उनकी प्रॉब्लम्स को वो हल कर देते थे, वो लोग संतुष्ट होकर जाते थे। जैसे फॉर एग्जांपल, दो लोग बंटवारा करने आए, दो भाई, ऐसी बहुत सी कहानियां हमने सीरियल्स में देखी, तो इस तरह से वो उनका बंटवारा पार्टीशन करते थे कि दोनों पक्ष खुश हो जाते थे। ऐसा नहीं किसी एक को दुख दिया, एक को सुख दिया। एंड सो इन इंडिया आफ्टर हिम व्हेनेवर एनी जज प्रोनाउंस हिज जजमेंट विद ग्रेट स्किल, विक्रमादित्य का नाम इतना मशहूर हुआ कि उनके बाद सैकड़ों सालों तक, आज भी जब भी कोई जज, कोई न्यायाधीश एक बहुत ही अच्छा न्याय देता है, प्रोनाउंस करता है, घोषित करता है कि तुम्हें सजा दी जा रही है, तुमने दोष किया या फिर तुम्हें माफ किया जा रहा है कि तुम बेगुनाह थे, इट वॉज सैड ऑफ हिम, तब भी यही कहा जाता है, आहा ही मस्ट हैव सैट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। देखिए, ये व्यक्ति विक्रमादित्य के सिंहासन से बोल रहा है। हैज एनीवन एवर सीन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, क्या हम में से किसी ने विक्रमादित्य की सीट को देखा? परहैप्स नॉट, शायद नहीं, बिकॉज द रियल द सीट डजंट एग्जिस्ट एनी मोर, क्योंकि उनकी जो राजगद्दी थी, वो सिंहासन था, वो ज्यादा दिनों तक संसार में अस्तित्व में नहीं रहा। आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ इट डिसअपियर्ड, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं किस प्रकार से ये राजगद्दी, ये सिंहासन उनका संसार से चला गया। ठीक है, अगले वीडियो में हम इसके आगे का पढ़ेंगे। कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करें। बाय, टेक केयर।